हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टूएम में। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में नेशनल स्कॉलरशिप में आपके मेरिट लिस्ट के बारे में मिनिस्ट्री ने क्या रिप्लाई दिया उसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम मुझे मेल किया था, उस आंसर के साथ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कई बंदों का पेमेंट नहीं आ पा रहा है, जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन यस हो चुका है 1-1.5 महीने से, लेकिन उनका पेमेंट नहीं आ रहा। उनका ना तो पीएफ में कुछ स्टेटस शो ही नहीं कर रहा, ना पेंडिंग फॉर सेक्शन मिनिस्ट्री या कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। और काफी काफी लोगों का पेंडिंग फॉर जनरेशन मिनिस्ट्री 2-2.5-3 में शो कर रहा है। क्या एनएसपी के पास फंड खत्म हो गया है? क्या रिप्लाई है, क्या चीज है, आपको पूरे इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा धैर्य के साथ एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है आप स्क्रीनशॉट से मेल कर सकते हैं। जितने भी स्क्रीनशॉट मिलते हैं मुझे इंस्टाग्राम से ही मिलते हैं भाई लोगों, आप लोग का प्लीज डीएम कीजिए वहां पे और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस भाई का एक बार स्टेटस देख लीजिए। एक बार इस बंदे का 30,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट है, काफी दिनों से अटका हुआ है, काफी दिनों से अटका हुआ भाई। कम से कम अप्रैल से बोल रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं है। रोज अकाउंट चेक करते, लेकिन इनके पैसे में अभी तक पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये जब भी स्टेटस चेक करते हैं इनको कुछ भी नहीं दिखाता है पीएफएमएस। इनका पूरा स्टेटस सही है एनएसपी का, लेकिन जब पीएफएमएस देखते हैं इनका कोई भी स्टेटस नहीं दिखाया जाता, कुछ भी शो नहीं किया जाता, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? क्या एनएसपी का फंड खत्म तो नहीं हो गया कहीं? आपके आंसर होंगे क्या एनएसपी फंड खत्म हो गया क्या नहीं है। देखो अभी कुछ कह नहीं सकता, तो मिनिस्ट्री ने कुछ बताया एनएसपी का फंड खत्म है कि नहीं, हमारे फंड आएगा नया आएगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ बताते नहीं मिनिस्टर, आप लोगों को सब पता है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि आप लोगों का सब कुछ सिलेक्शन हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो गया, आपका आगे तक फॉर्म चला गया, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ फॉर्म स्टार्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। पैसा मिलेगा अगर आपके फॉर्म सब कुछ सही है, बैंक अकाउंट में आपका पूरा सही है, पूरा केवाईसी सब कुछ है, तो आपको पैसा मिलेगा। अब देखो 2022-23 सेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं अगस्त से, ठीक है। अब हो सकता है अगस्त से पहले पहले आपको पैसा मिल जाए, जिन बच्चों का पैसा नहीं मिला है उन बच्चों का पैसा मिल जाए। जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, देख लीजिए ऐसे नाम आ चुका है जो पीडीएफ आया था मेरिट लिस्ट में, उन बच्चों का भी काफी बच्चों को पैसा नहीं मिला है। कई बच्चों को पैसा मिल भी चुका है, कई बच्चों को नहीं मिला है पैसा। उनको पैसा कब मिलेगा? उनको पैसा मिलेगा भाई अगस्त से पहले पहले मिल सकता है, क्योंकि 2022 सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो मिलेगा नहीं, उससे पहले ही मिल सकता है, ठीक है। बस काम ये कर रखो, बैंक अकाउंट में सब कुछ सही कर रखो। अगर पेमेंट फेल होता है तो बाद में डिले कर देंगे, वो आएगा लेकिन वो डिले होगा, ऐसा नहीं होगा पेमेंट फेल होगा पैसा नहीं आएगा, डिले करेंगे, बोर्ड लेट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस बच्चे ने एनएसपी स्कॉलरशिप में मेल किया था, ठीक है, मिनिस्ट्री को मेल किया था, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये बच्चा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का था, जिन्होंने ग्रीवियंस फॉर्म भरा था, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, आप ग्रीवियंस फॉर्म से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है। तो ये बच्चा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, रिप्लाई देख लीजिए इनका पहले। क्वेश्चन क्या पूछा था, 22/6/2022 को इन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग एनएसपी प्रॉब्लम। रेस्पेक्टेड सर, इन एनएसपी पोर्टल माय मेरिट लिस्ट सिलेक्शन स्टेटस शो ब्लैंक फ्रॉम 2 मंथ बट नो चेंज टेक प्लेस, सो सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल एट व्हाट डेट मेरिट लिस्ट वाज रिलीज बिकॉज आई रियली नीड स्कॉलरशिप स्टडी फॉर प्लीज हेल्प थैंक यू। तो मिनिस्ट्री का रेस्पॉन्स आया नो टेंटेटिव डेट सर, आप देख लीजिए। मतलब मिनिस्ट्री को खुद को नहीं पता है कि कब आपका मेरिट लिस्ट का पीडीएफ आने वाला है, कब आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, कब आपका मेरिट लिस्ट में यस होगा। अभी आपका ब्लैंक है, तो मैं अभी कह रहा हूँ आपका 50-50 चांस है, ब्लैंक वालों का चांस है, लेकिन नो वालों का बहुत कम चांस है, नो वालों का बहुत कम चांस है। मैंने प्रीवियस कई वीडियो में आपको बता रखा है ब्लैंक वालों का भी चांस है, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उनका ना तो नो है ना यस है, दो बीच में अटके हुए, मतलब दो तराजू के यहाँ पे बीच में अटके हुए हैं वो, ठीक है। वो नो वाले झुक गए पूरा, ठीक है। तो ये चांस है, ब्लैंक वाले चांस है, लेकिन अभी भी आपको कोई टेंटेटिव डेट नहीं बताएगी मिनिस्ट्री द्वारा। तो आखिर कब तक चलेगा ये, तो अब देख लीजिए, आप वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ज्यादा सेशन यही है, अगस्त से पहले पहले सब कुछ क्लियर होने के चांस है, क्योंकि अगस्त के बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है उससे पहले पहले आपको मिल जाए, ठीक है। जब भी आप रिप्लाई करेंगे, चाहे आप कॉल भी करते हैं, अब इंस्टाग्राम में इनके मेल भी देख लीजिए, इन्होंने मुझे मेल किया था, मैंने बोला था इनको कॉल कीजिए, तो इन्होंने बोला था कि कॉल उठाते हैं लेकिन बोलते हैं मेल कीजिए, कॉल उठाते लेकिन मेल कीजिए, हमें सही बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को रुके ना, आप झुकना नहीं, आप सबको आपको झुकना नहीं है, आपको तो मेल करते रहना है, जितना हो सके उतना मेल कीजिए, 1-1, 2-3 दिन मेल करते रहिए, कुछ ना कुछ आपके रिप्लाई 101% आने वाला है, ठीक है।
आई हो आपको वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेट लगा होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे कुछ भी होता है मैं आपको बैठा हूँ, हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल के तहत आपको मिलता रहेगा, चाहे आप एनएसपी स्कॉलरशिप रिलेटेड, चाहे स्टेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपको एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट्स वगैरह, वीवो स्कॉलरशिप, जिससे प्राइवेट स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।